सो गाइस कि आप भी फेसबुक का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पर आप स्टोरी लगाने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों यहां पर कोई भी आप सॉन्ग ऐड करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका लिरिक्स शो नहीं कर रहा होता, यानी जो भी यहां पर सॉन्ग लिखा हुआ आता है वो यहां पर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो वीडियो को एंडिंग तक वॉच करिए। और अपनी को बता देता हूं, जब भी आप अपनी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए जाते हैं, जैसा कि दोस्तों यहां पर हम फेसबुक आते हैं और यहां पर प्लेस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, और दोस्तों यहां पर कोई भी हम अपनी स्टोरी लेते हैं जैसे कि यहां पर, और यहां पर म्यूज़िक यहां पर ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये म्यूज़िक है। अब दोस्तों यहां पर ये म्यूज़िक पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर बहुत सारे इस तरह से चेंज हो जाते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिरिक्स नहीं शो करता है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम आपको सेम आ रही तो वीडियो को देखते रहिए। ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपका फेसबुक अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों फेसबुक को अपडेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फेसबुक जैसे आप अपडेट कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी फेसबुक अपडेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होती है तो आपको देखते रहना है वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे दोस्तों लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का यानी आई बटन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाता है फोर स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोर स्टॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशंस में जाना है। दोस्तों परमिशंस में जाएंगे तो यहाँ पर इसके लोकेशन को चेक करना है। तो यहाँ पर लोकेशन जो इसका है डोंट अलाउ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अलाउ होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच के जाना है। स्टोरेज एंड कैच पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर स्टोरेज एंड क्लियर कैच। तो दोस्तों क्लियर कैच आपको कर देना है। दोस्तों जैसे क्लियर कैच करते हैं तो यहाँ पर स्टोरेज जो है बिल्कुल जीरो हो चुका है, यानी जो भी इसके अंदर रनिंग थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। यानी अब इसके बाद दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम अगर इस तरह से अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो ठीक है, दोस्तों अगर फिर भी नहीं फिक्स हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको स्टोरेज कैच पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लियर स्टोरेज इसका कर देना है। दोस्तों जैसे इसका आप क्लियर स्टोरेज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आना है आपको क्रोम ब्राउज़र पर। तो दोस्तों जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पर आएँगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप करना है फेसबुक एपीके डाउनलोड। दोस्तों जैसे फेसबुक एपीके डाउनलोड क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट आपको वेबसाइट मिलेगी, फेसबुक फॉर एंड्रॉयड डाउनलोड द एपीके फॉर्म आउटरूम, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन के नीचे आपको ओल्डर वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर आपको ऐप्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओल्ड वाले जो हैं ऐप्स आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ये कई कई मोबाइल के डिवाइस के हिसाब से यहाँ पर जो है सपोर्ट्स करते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो है डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है लेटेस्ट वर्जन के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका यहाँ पर वर्क करता है थोड़ा ओल्ड वर्जन का यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। कर लेने के बाद उसी में आपको आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी 100% फिक्स हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज इस तरह की अगर आप लिरिक्स की प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब।